केरला में मैक्सिमम बसेज ऐसी होती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वॉकिंग टूर ऑफ कोची सिटी। तो चलिए वॉक करना स्टार्ट करते हैं और कोची सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। तो अपनी केरला यात्रा के दौरान मैंने एक पहला वीडियो अपलोड किया था और ये दूसरा वीडियो है। तो पहला वीडियो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तब दूसरे वीडियो में भी मैं कोची सिटी की नाइट लाइफ दिखाऊँगा और पूरा वॉक करके दिखाऊँगा, सो दैट आप लोगों को पूरा एरिया क्लियरली दिख जाए कि कैसा है कोची सिटी एंड केरला कैसा है, केरला में मार्केट कैसी होती हैं और सब चीज़ क्या है, माहौल क्या है वो भी दिख जाएगा। केरला की एक विशेष बात है कि यहाँ पर जो भी शॉप्स होंगी उनमें ये ईसा मसीह की स्टैचू और साथ में भगवान की भी मूर्ति आपको दिख ही जाएगी। अगर कोई भी शॉप हुई, अगर वहाँ पे आप भगवान की मूर्ति लेना चाहते हैं तो आपको कंबाइंड ही मिलेगी और हर शॉप्स में तो मिलना ही है। तो यहाँ पर भी मैं गया था देखने एक बार, लेकिन यहाँ पर भी मुझे इंडियन गॉड, हिंदू गॉड तो कम ही मिले, क्रिश्चियन वाले गॉड ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर सारे रिलीजन को देख के ही यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं बनाई जाती हैं और सभी वैसी ही शॉप्स हैं यहाँ पे। तो अभी और आगे चलते हैं और आगे चल के मैं और एक्सप्लोर करता हूँ इस कोची सिटी को और कोची सिटी की नाइट लाइफ दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो वॉक करके जा रहा हूँ सो दैट आप लोग पूरा एरिया देख सकते हैं, पूरे एरिए को क्लियरली देख सकें, पूरी मार्केट को देख सकें। तो कोची सिटी की मार्केट भी आपने अभी देखा, अभी और आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको और कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। कोची सिटी में वैसे तो बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन ये एरिया जो है इसे ब्रॉडवे एंड मेनका मार्केट एंड मरीन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि मेनका मार्केट लोग सर्च करते हैं, मेनका मार्केट कोची, मेनका मार्केट केरला, तो यही है मेनका मार्केट फिलहाल। और यहाँ पे रोड साइड मार्केट्स बहुत होती हैं जहाँ पे चीपेस्ट आइटम्स मिलते हैं और लोग यहाँ पर ख़रीदने आते हैं। तो अभी मैं केरला से मूव कर जाऊँगा तमिलनाडु और तमिलनाडु का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पर। तो फिलहाल अपनी केरला यात्रा का ये लास्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो आपको तमिलनाडु एंड उसके बाद गोवा से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन समाप्त करने के पहले एक चीज़ बताना चाहूंगा कि केरला में रात में 11 बजे के बाद अगर आप घूमोगे तो आपको हर जगह ट्रांसजेंडर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर भी मुझे एक मिला था, तो इसलिए बी केयरफुल नाइट में, नाइट में केयरफुल रहना क्योंकि ट्रांसजेंडर यहाँ पर हर जगह घूमते रहते हैं। तो मिलते हैं।